हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के क्वेश्चन नंबर 1.26 को। और स्टूडेंट, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट, साथ ही साथ हम लोगों ने एसी ओरा के पहले और दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉसेज लॉ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.26। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द कर्व्स शोन कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का ये आप देख सकते हैं, चार पांच पैटर्न अलग अलग दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट, ये टोटली ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, जिसके बारे में अलग से हम लोग काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर डिटेल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके आधार पर आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सा पैटर्न पॉसिबल है तो कैसे है, नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है। स्टूडेंट, पहला जो इसका है, क्वेश्चन का पहला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, ये कंडक्टर दिखाया गया है, कंडक्टर दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चलिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कि ये कंडक्टिंग बॉडी को, जो मेटालिक सरफेस होते हैं, उसको हमेशा ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे कट करता है ऑलवेज। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे इसके बारे में अगर बात करें, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे, ये सर्टेन एंगल, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पे सर्टेन एंगल पे है। इस तरह का काफी जगह आपको बहुत जगह मिल जाएगा। इनफैक्ट ओरिजिनल जो आप फिगर देखेंगे तो वहां पे बहुत और भी ज्यादा आपका क्लियर है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टिंग बॉडी को, सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत जगह नहीं हो रहा है। क्लियर है, उस आधार पे ये गलत होता है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है ये पैटर्न। नाउ क्वेश्चन बी में कह रहा है, बी पार्ट में आप देख सकते हैं ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये पॉसिबल है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे आता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, जस्ट इसके बाद इस पैटर्न में देखिए, ये नेगेटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है, उल्टा हो रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसके आगे देखिए, पॉजिटिव से ही निकल रहा है और पॉजिटिव पे ही जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव पे ही जा रहा है, मतलब ये क्लियर ही गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, सी पार्ट में आप देख सकते हैं, ये सी में क्या है कि दो पॉजिटिव चार्ज है, चलिए ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये पैटर्न ये पॉसिबल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सी आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ये बिल्कुल आपका गलत है स्टूडेंट, डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होता है तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पर। तो अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट पर एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, उस आधार पे ये पैटर्न भी गलत है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, ई पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर, यहाँ पर ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निकल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ये जो चीज है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये यहाँ पर सर्कुलेटिंग नेचर का दिखा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग नेचर का नहीं हो सकता है। समझिए क्यों नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल के या तो नेगेटिव चार्ज पे जाएगा या इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग नेचर का होने का मतलब है कि भाई जहां से निकल रहा है उसको वापस वहीं पर आना पड़ेगा, जहां से निकल रहा है वही वापस आएगा, तभी तो सर्कुलेटिंग नेचर का होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग नेचर का नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। और इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत इजी हम लोग थोड़ी में देखे थे डिटेल से वहां पे। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।